Welcome to everyone. Myself Kunal Kohikar, and our today's topic is Panchatattva evam Prakruti. Panchatattva, Prakruti ke roop mein diya Ishwar ne upahar, Prithvi, Akash, Jal, Vayu aur Agni ko bana diya apne jeevan ka aadhar. Arthat, Ishwar yani Bhagwan ne apne ansh mein se 5 tattva, Bhumi, Gagan, Vayu, Agni, Jal का समावेश कर मानव देह की रचना की और उसे संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में स्वच्छता पूर्वक जीवन बिताने के लिए भेजा है। पंच तत्व में 5 तत्व शामिल होते हैं, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व एवं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व, यह तत्व अविश्वसनीय धैर्य का प्रतीक है और इससे व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। इसकी कमी से लोग अपने स्वार्थ में खो जाते हैं। जल तत्व, यह तत्व शीतलता प्रदान करता है। इसमें विकार आने से सौम्यता कम हो जाती है। एक उदाहरण के रूप में हम ताजगी के लिए पानी की बोतल के बारे में सोच सकते हैं। यह तत्व शीतलता प्रदान करता है जो हमें ठंडा अनुभव करने में मदद करता है। लेकिन यदि इस तत्व में किसी तरह का विकार हो जाए, जैसे कि अगर पानी गंदा हो जाए या अन्य किसी वजह से अच्छी गुणवत्ता न रहे, तो उसकी सौम्यता कम हो जाएगी। यह तत्व मानसिक शक्ति तथा स्मरण शक्ति की क्षमता व नाकत को पोषण प्रदान करता है। अगर इसमें विकार आने लगे तो स्मरण शक्ति कम होने लगती है। इसका अर्थ है कि जब हमें अच्छे तौर पर सोचते हैं और सक्रिय रहते हैं तो हमें अधिक चीजें याद रहती है और हमारी स्मरण शक्ति सुधरती है। लेकिन अगर हमारे मन में किसी प्रकार का विकार होता है तो हमारी स्मरण शक्ति प्रभावित होने लगती है। अग्नि तत्व, यह तत्व विचार शक्ति में सहायक बनता है और मस्तिष्क के भेद अंतर को परखने वाली शक्ति को सरल बनाता है। यदि इसमें त्रुटि आ जाए तो हमारी सोचने की शक्ति का ह्रास होने लगता है। सोचने की शक्ति को एक सूरज के समान देखा जा सकता है जो जगमगाता है और प्रकाश फैलाता है। आकाश तत्व, आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं। पंच तत्व का हमारे जीवन में असर। ये पंच तत्व सिर्फ धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि ये भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान के साथ भी संबंधित है। इन तत्वों का हमारे जीवन पर व्यापक असर होता है। संतुलन और समरसता, पंच तत्व हमारे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन और समरसता को समझाते हैं। भौतिक संरचना, पंच तत्व शरीर में भौतिक संरचना की स्थापना में मदद करते हैं। मानसिक स्थिति, पंच तत्व के संतुलन का मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। पंच तत्व का प्रकृति से संबंध, पंच तत्व भौतिक प्रकृति के साथ भी संबंधित है। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में अवश्यम भावी तत्व है और हर जीवी और वस्तु को इनमें विलीन कर देते हैं। पंच तत्व है जीवन का आधार, इनके बिना नहीं है कारण। सृष्टि के रचयिता इनमें विराजमान, इन्हीं के संग जीते हम सम्मान। अर्थात पंच तत्व जीवन का मूल आधार है, इनके बिना कोई भी कारण नहीं हो सकता। इन 5 तत्वों में ही सृष्टि के सृजनहारी विराजमान है।